गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अलर सोहो एंड यू वाचिंग एजी रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो इज रिकमेंड बाय वन ऑफ आवर सब्सक्राइबर्स। काफ़ी दिनों के बाद मैं किसी सब्सक्राइबर की रिकमेंडेशन पे कोई वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि कोई रिकमेंड कर ही नहीं रहा था। आज की वीडियो का टाइटल है टॉप 10 बेस्ट हिल स्टेशन इन इंडिया, और हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं उनका नाम मुझे सॉरी याद नहीं है, मैं स्क्रीन शॉट दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल और स्पेशल होने वाली है, तो मेक श्योर उसको एंड तक देखिएगा। और आज के वीडियो की मेकर की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, चेकआउट कर लीजिएगा। अब बात होती है हिल स्टेशन पर। अब कुछ दिन पहले मैंने हिल स्टेशन पे वीडियो बनाई थी, मरी वर्सेस शिमला। अब मरी जो कि पाकिस्तान में मतलब इस्लामाबाद के नज़दीक पड़ता है, शिमला मुझे आइडिया नहीं है किस जगह पे पड़ता है, लेकिन बहुत हर हिल स्टेशन और हिल स्टेशन दोनों अपने मुल्कों के अपने ज़खायर नहीं हैं, मतलब ये अंग्रेज़ों ने किसी वजह के लिए बनाए थे, जो आज भी हम अपने अपने देशों में यूज़ करते हैं। तो देखिए वीडियो को एंड तक, वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल और अमेजिंग होने वाली है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय, मेरा नाम अनीस खान है और आज हम इंडिया के बेहतरीन टॉप 10 हिल स्टेशन देखने वाले हैं। नंबर 10, माउंट आबू। माउंट आबू राजस्थान के सिरोही डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान हिल स्टेशन राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर है। माउंट आबू जयपुर से 540 किलोमीटर के दूरी पर है। यह जगह सी लेवल से 1219 मीटर्स है। इस जगह काफ़ी सारे हिंदू टेम्पल्स हैं, आधार देवी टेम्पल, श्री रघुनाथ जी टेम्पल, जैन टेम्पल्स, तिलवारा टेम्पल्स, नक्की लेक यहाँ के मेन अट्रैक्शन है। अगर आप वाइल्ड लाइफ पसंद करते हैं तो आप ये इतना खूबसूरत नहीं है जितना कि मरी और देख सकते हैं, लेकिन ऑफकोर्स नंबर 10 पर सनसेट तो उसके आगे वाला काफी ज्यादा बेहतर है। नंबर 9, मनाली। मनाली का काफी सुना गाना भी है ना, मनाली मनाली। मनाली शिमला से 270 किलोमीटर है। मनाली समुद्र लेवल से 6260 फीट ऊपर है। मनाली को हर साल काफी लोग विजिट करते हैं। अगर आप मनाली विजिट करना चाहते हैं तो सबसे बेहतर यार, जितने भी हिल स्टेशन होते हैं वहाँ पर माल रोड लाजमी होता है, मतलब हमारे पास कम है, मई में है तो वहाँ पर तो है माल रोड, लेकिन आप मुझे कंफर्म करके बताइएगा डिस्क्रिप्शन में, इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं वहाँ पर माल रोड लाजमी है क्या। मनाली में आप वन विहार पार्क, सोलंग वैली, हॉट वाटर स्प्रिंग, हिमालय नेशनल पार्क, मनाली सेंचुरी, रोहतांग पास विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर काफी सारे हिंदू टेंपल हैं। सारा ब्रिटिश आर्किटेक्ट टाइप है, क्योंकि उन्होंने ही बनाई थी ये जगह। टेंपल, लॉर्ड राम टेंपल भी देख सकते हैं। नंबर 8, मसूरी। मसूरी उत्तराखंड के देहरादून डिस्ट्रिक्ट में। मसूरी दिल्ली से 290 किलोमीटर और देहरादून से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। मसूरी सी लेवल से 2005 मीटर पर है। मसूरी हिमालय के पर्वत के आधार में है। मसूरी को क्वींस ऑफ द हिल्स भी कहा जाता है। अगर आप मसूरी में हैं तो आप नाता स्टेट, गन हिल, केम्प्टी फॉल्स, लेक मिस्ट, लाल टिब्बा, म्यूनसिपल गार्डन, हैप्पी वैली, कैमल्स बैक रोड, मसूरी लेक, बट्टा फॉल्स, जारिफानी फॉल्स, मोसी फॉल्स, नाग देवता टेम्पल, ज्वाला जी टेम्पल, सर जॉर्ज गेस्ट हाउस भी देख सकते हैं। हनीमूनर्स और अगर मेरी बैकग्राउंड वॉइस थोड़ी क्लियर ना हो तो सॉरी, पंखा चल रहा है, काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो गई है। कहाँ तमिलनाडु के दिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट में है। कोडाईकनाल का मतलब द गिफ्ट ऑफ द फॉरेस्ट होता है। कोडाईकनाल को प्रिंसेस ऑफ हिल स्टेशन भी कहा जाता है। कोडाईकनाल चेन्नई से 426 किलोमीटर और मदुरई से 120 किलोमीटर है। कोडाईकनाल हनीमून डेस्टिनेशन ये तो वॉलपेपर भी आई थिंक आई थिंक ये फिर रियल मतलब रियलिटी बेस्ड वॉलपेपर। यहाँ पर पालनी हिल्स देखने जैसा है। आप यहाँ पर ट्रैकिंग, बोटिंग और हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। कोडाईकनाल में आप मैंने वैसे एक नाम कभी भी नहीं सुना, बहुत ज़्यादा फॉल्स, वेन वैली व्यू, पाइन फॉरेस्ट, कोडाईकनाल सोलर ऑब्जर्वेटरी, पिलर रॉक्स, गुना केव्स, सिल्वर कैस्केड, डॉल्फिन नोज, कुरंजी डॉल्फिन नोज टेम्पल और बेरीजैम लेक देख सकते हैं। नंबर 6, नैनीताल।
नैनीताल नैनीताल है, सुना है नाम, उत्तराखंड ये भी किसी मूवी में सुना स्टेशन है। इस हिल स्टेशन में काफी बेहतरीन लेक है। अच्छा बोट के अंदर सोफा देखने में गिरा हुआ है। नैनीताल दो भागों में बटा है, तली तल और दूसरा मली तल। अगर आप नैनीताल में हैं तो लेक, ट्रेकिंग, नौकायन और हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। नैनीताल में नैनीताल लेक, नैना पीक, टिफिन टॉप, नैनीताल जू, ये मतलब काफी ज्यादा खूबसूरत व्यू होता है दोनों साइड पर, ग्रीनरी और बीच में दरिया, स्नो व्यू पॉइंट, नीम करोली बाबा आश्रम, लैंड सिंह, गवर्नर हाउस, हनुमान गढ़ी, हिमालय व्यू पॉइंट देख सकते हैं। नंबर फाइव मुनार, केरला। केरला सुना है लेकिन मुनार नहीं। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में है। केरला इंडिया का वो इलाका है जहाँ पर दुनिया के सबसे ज्यादा जैन लोग पाए जाते हैं। मुनार में आपको काफी शिखर मिलेंगे। यहाँ पर आपको प्लेजेंट क्लाइंबिंग भी मिलेगा। यहाँ पर ट्रेकिंग, बोटिंग, पैराग्लाइडिंग भी कर सकते हैं। मुनार में आप इरविकुलम नेशनल पार्क, अनामुड़ी पीक, मुट्टुपेट्टी, पल्लीवसल, कुलुकुमलाई टी स्टेट, एलिफेंट अराइवल स्पॉट, अतुक्कड़ वाटरफॉल्स, टाटा टी, कुंदला डैम, पोतामेडू व्यू पॉइंट, सलीम अली बर्ड सेंचुरी, वाटरफॉल्स, मरायूर, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ब्लूजम पार्क, वलारा फॉल्स भी देख सकते हैं। नंबर फोर ऊटी। ऊटी तमिलनाडु में है और ये कोयम्बतूर से 80 किलोमीटर, तमिलनाडु में दो स्टेशन अभी तक क्यों नहीं है। ऊटी में आपको हर जगह नीलगिरीज के झाड़ देखने मिलेंगे। ऊटी यार ये एक मतलब सांप वाला रोड प्रसिद्ध है। यहाँ पे आपको चाय के बागान, बड़े बड़े जंगल और हरे भरे पहाड़ देखने मिलेंगे। ऊटी में आप बोटानिकल गार्डन, टी फैक्ट्री, डोडा बेटा पीक, अवलांचे लेक, गवर्नमेंट रोज गार्डन, पैकरा रिवर, ऊटी लेक, मधुमलाई नेशनल पार्क, इमरल्ड लेक, स्टोन हाउस, तोड्डा हट्स, ऊटी माउंटेन रेलवे, सेंट स्टीफन चर्च, वैक्स वर्ल्ड, ट्राइबल म्यूजियम, डियर पार्क, मरियमन टेम्पल, थ्रीड गार्डन, कलहट्टी फॉल्स, कोटागिरी, कैथरीन फॉल्स भी देख सकते हैं। नंबर थ्री दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है। ये हिल स्टेशन कोलकाता से 614 किलोमीटर की दूरी पर है। दार्जिलिंग चाय के बगान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग दुनिया में शिखर के लिए तीसरे नंबर पर आता है। अगर आप दार्जिलिंग में हैं तो टाइगर हिल्स, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, बटासिया लूप, जापानीज पीस पगोड़ा, ऑब्जर्वेटरी, गार्डन, संडकफू, मोनेस्ट्रीज, कांचनजंगा माउंटेन, ऐसे व्यूज मैंने हंसा टू कुंजरा पास के बीच देखे थे। बारबूटे रॉक गार्डन, तीन चूल्हे विलेज विजिट, लेकिन ये हिल स्टेशन क्योंकि अंग्रेजों ने बनाए तो वहाँ उनका आर्किटेक्चर हिमाचल प्रदेश में है। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। शिमला को शिमला के नाम से जाना जाता है। शिमला हिमालय पर्वत के रेंजेस में आता है। हर साल यहाँ पर अभी तक जितने भी हैं मुझे सबसे ज़्यादा शिमला ही पसंद है। मैं इस पर पहले भी रिव्यू दे चुका हूँ। यहाँ का साफ सुथरापन, यहाँ के रोड सुंदरता को और चकाचौंध कर देते हैं। शिमला में आप मॉल रोड, रिच इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, चक्कू टेम्पल, क्राइस्ट चर्च, कुफरी, टॉय ट्रेन, हिमाचल स्टेट म्यूजियम, स्कैंडल पॉइंट, हिमालयन बर्ड पार्क, शिमला रिजर्व फॉरेस्ट सेंचुरी, मशोबरा, नालदेहरा, लक्कर बाजार, तारा देवी टेम्पल, तट्टापानी देख सकते हैं। नंबर वन श्रीनगर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में है। ये हिल स्टेशन झेलम नदी के ऊपर है। श्रीनगर मैंने उसमें देखा था हाउस जॉली LLB2 वाटर फ्रंट्स के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। श्रीनगर में ट्रेडिशनल कश्मीर हैंडीक्राफ्ट और ड्राई फ्रूट्स होते हैं। पूरे श्रीनगर में काफ़ी सारे लेक हैं जैसे दाल, द नाइजीन, द एंकव, कौशल सार, गिल सार और होकर सार। श्रीनगर में काफ़ी मुगल गार्डन हैं जैसे चश्मा शाही, परी महल, निषाद बाग, शालीमार बाग और नसीम बाग। शालीमार बाग जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल बोटानिकल गार्डन भी देखने मिलेगा। अगर आप श्रीनगर में हैं तो आप हजरत बल मस्जिद, शिकारा राइड, जामा मस्जिद, शंकराचार्य टेंपल, शाह हमदान की खानका, वाटर लेक, नागिन लेक, चल्ली पॉइंट, चार चिनार, दचीगम नेशनल पार्क, श्री प्रताप सिंह म्यूजियम,
अनंतनाग और बारामूला विजिट कर सकते हैं। अगर आपको और हिल स्टेशन ऐड करना है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हाय, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन पर क्लिक कीजिए। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगर आप मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो जैसे कि हमने देखी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग थी, मतलब मेरे पास लफ्ज़ नहीं है यार, इतनी ज़्यादा खूबसूरत हैं वीडियोस। मतलब वीडियो तो खूबसूरत है ही, लेकिन वीडियो मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि वीडियो खूबसूरत नहीं होती, उसका कंटेंट खूबसूरत होता है। तो अभी तक जितनी भी मैंने देखी है, मुझे पर्सनली पहले भी मैंने कहा अभी बता रहा हूँ, शिमला सबसे ज़्यादा पसंद है। आपको क्या पसंद है वो कमेंट डाउन कर लीजिएगा। और मतलब उसमें और दूसरा वो था यार जो देहरादून के साइड में थी, वो भी ज़्यादा खूबसूरत थी, नाम मैं भूल गया उसका। और तीसरी ऊटी, ऊटी भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मैं पहले भी सुन चुका हूँ, मतलब इतनी खूबसूरत मैंने पहले देखी नहीं थी लेकिन खाली नाम सुना था, आज देखा है काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और बेसिकली जो हिल स्टेशन का आर्किटेक्चर है ना, वो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, काफ़ी प्यारा लगता है। तो बस आप भी कमेंट करके बताएं आपको इन 10 में से कौन सी लगी। मुझे शिमला में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो मुझे शिमला काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो। विद दैट सेड, गुड बाय।